दोस्तों इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। ऐसी इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करें जिससे कि इसका फायदा उन लोगों को भी हो सके। अच्छा, हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आप देखिए इवेंट्स का मतलब क्या है, घटना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। पोस्ट का मतलब बाद में, जब फीमेल एंड मेल गैमिट आपस में फ्यूज हो गया उसके बाद की जो घटनाओं को हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे लिख लें, ऑल द इवेंट्स विच अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऐसी सारी घटनाएं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आपने ये डायग्राम तो देखा होगा, जरा बता सकते हैं किसका डायग्राम है? क्यों भैया, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसका डायग्राम है। बोले तो कार्पल या पिस्टल इसको कहते हैं, ये कार्पल या पिस्टल है। इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारा, ओवेरी। नीचे वाला हिस्सा देखा आपने, ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा होता है, बीच वाला तो स्टेल मारता ही है। अच्छा, अब यहां से जो इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। ये जो हिस्सा है अंदर वाला इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। अब इसके अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, ये माइक्रोपाइलर पोर है, और इसमें जो पाया जाता है इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में बीच वाली ये सेल होती है, इसको हम क्या कहेंगे, लार्ज सेंट्रल सेल कह रहे थे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है, पीईसी। और यहाँ पे जो पाया जाता है वो एग सेल पाई जा रही थी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग से क्या बना, जायगोट बना। तो यहाँ पे जो पाया जाएगा ये क्या पाया जाएगा, जायगोट। ठीक है भाई, अब जायगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का ये वाला जो हिस्सा है ये किस में डेवलप होता है, एंडोस्पर्म में। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये जो हिस्सा है ये किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। ओव्यूल किस में डेवलप होगा, सीड में। और ओवरी किस में डेवलप होगी, फ्रूट में। ठीक, ये हमारी कुछ घटनाएं होंगी। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारी चार घटनाएं होती हैं। पहली वाली घटना कौन सी है, एंडोस्पर्म वाली। दूसरी वाली घटना एम्ब्रियो वाली। तीसरी वाली घटना सीड फॉर्मेशन वाली। चौथी वाली है हमारी फ्रूट वाली। तो ये चार घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो आप फिलहाल हम सबसे पहली वाली लेंगे, एंडोस्पर्म। इस वीडियो में सिर्फ आप एंडोस्पर्म को देखोगे कि एंडोस्पर्म क्या है, कितने तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये क्यों होता है एंडोस्पर्म। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आप जानोगे। देखो भाई, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म पहली बात जो है कि किससे डेवलप हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किससे डेवलप हुई, लार्ज सेंट्रल सेल से। एम्ब्रियो सैक की लार्ज सेंट्रल सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होता है, बोले तो 3N कंडीशन में होता है, और उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया है, PEN। ठीक है, अब हम ये जो सेल है ये फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फर्दर डेवलप होगी,
फर्दर डिवाइड होगी और ये डिवाइड होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपमेंट के आधार पर तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट का होता है हमारा एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे एंडोस्पर्म। सबसे पहले वाला देख रहे थे हम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ठीक। एंडोस्पर्म का कैसे बन रहा है, इसका फॉर्मेशन क्या है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के आधार पर इट इज या इट कैन डिवाइड इंटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। किसको डिवाइड कर देंगे हम, एंडोस्पर्म को। किसके आधार पर करेंगे, उसके डेवलपमेंट के आधार पर एंडोस्पर्म को थ्री टाइप में डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले आप बताइए एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है। एंडोस्पर्म भाई किस में पाया जा रहा था, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, यहाँ पे जो पाई जा रही थी ये जायगोट पाया जा रहा था। जायगोट ही तो, हाँ नीचे बता रहे थे हम, एग सेल से जब मेल गैमेट फ्यूज हो गया तो जायगोट था। यहाँ पे जो ऊपर एंटीपोडल सेल्स पाई जा रही थी जो बाद में डीजनरेट हो जाती है एंटीपोडल सेल्स, और यहाँ पे जो लार्ज सेंट्रल सेल पाई जा रही थी यहाँ पर थ्री एंड कंडीशन पाई जा रही थी। लार्ज सेंट्रल सेल को हम क्या कह रहे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और यहाँ पे जो इसे कह रहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कितने एन कंडीशन का होता है, थ्री एन कंडीशन का होता है। तो अब देखिए ये तीन तरीके से डेवलप होगा। पहला वाला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हम यहां जायगोट को नहीं ले रहे, हम सिर्फ एंडोस्पर्म की बात करेंगे जो इसके चारों तरफ यहां पे होगा, ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि सेल तो ऐसे की ऐसी रहेगी, इसके अंदर जो 3N कंडीशन के ये जो न्यूक्लियाई है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है 3N कंडीशन का होता है, वो पहले दो में डिवाइड होगा, फिर हमारा चार में डिवाइड होगा, ठीक है, फिर हमारा किस में डिवाइड हो जाएगा, आठ में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, थाउजेंड्स न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनती। जब सेल वॉल ये नहीं बनेगी तो हमारी सेल भी नहीं बनेगी, सिर्फ क्या क्या पाए जाएंगे यहाँ पे, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में न्यूक्लियाई ही पाए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा। सेल तो वहीं की वहीं है, उसी के अंदर ही अंदर डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई, बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई ये बनाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब हम देखेंगे दूसरा वाला सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है कि यहां पर पहले ये हमारी कंडीशन थी, एक ही न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो में, साथ ही इसके सेल वॉल बन गई, फिर ये डिवाइड हो रहा है अंदर, दो में और डिवाइड हुआ, इनके अंदर भी सेल वॉल बन गई। तो ऐसे ही ये डिवाइड बढ़ती चली जाएंगी और यहां पर बहुत ज्यादा सेल वॉल बनती चली जाएंगी न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो यहां पर एंडोस्पर्म जो बनेगा वो सेल्स की कंडीशन में बनेगा। पहले जो एंडोस्पर्म बन रहा था वो सिर्फ न्यूक्लियस के फॉर्म में बन रहा था, न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा थे। न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है, जैसे बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है। तो ऐसे यहां पे देखेंगे कि
सेलुलर एंडोस्पर्म की कहानी क्या है, जब सेल बहुत ज्यादा सेल का डिवाइडेशन होने लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। जब न्यूक्लियस का ही डिवाइड हो रहा था तो उसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सीधी वाली बात थी। तो यहां पे लिख लीजिए आप सेल, सेल बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म मेनी सेल्स, बहुत ज्यादा सेल्स बन जाएंगी यहां पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो आता है, तीसरे की कहानी सुन लो जो सबसे जबरदस्त है, जो दोनों को ही मिक्सर माना जाता है। थर्ड वाला है डेवलपमेंट हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म। आप देखिए ये क्या था, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, हमने यहां पे एक कंडीशन देखी थी, यहां पे जो था ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये पहले दो हिस्सों में डिवाइड होगा न्यूक्लियस और उस ये क्या बन जाएगी सेल, यहां पे भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये भी है, तो एक सेल ये बन जाएगी और एक सेल ये बन जाएगी। तो बोलिए यहां पर न्यूक्लियस था, सेल में डिवाइड हुआ इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, दो सेल बन गई, एक सेल ये है और एक सेल ये है, इस वाली सेल में भी ये न्यूक्लियस है, ऊपर वाली सेल में भी ये न्यूक्लियस है। ठीक है, पहले सेल का डिवाइडेशन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डिवाइडेशन हो गया। दूसरी वाली बात क्या होगी कि यहां पे अब इन सेल में अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगेगा। ठीक, यहां पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियस बन जाएंगे, यहां पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियस बन जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है, अब उससे अगले वाली क्या है कंडीशन, हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाएगी। ठीक है, तो इसने देख लिया दोनों को, सबसे पहले क्या है सेल का डिवाइडेशन हुआ था, दूसरी कहानी क्या है सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई बन गए। तीसरी वाली कंडीशन क्या थी, हर एक न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि ये डिवाइड इनटू टू सेल्स, दो सेल में डिवाइड हो गई, एंड ईच सेल्स न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, प्रत्येक सेल का न्यूक्लियस बार बार डिवीजन करता जा रहा है तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई बनेंगे, एंड फॉर्म मेनी न्यूक्लियाई, बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई बनेंगे, एंड फाइनली यहां पे लिखेंगे फाइनली सेल वॉल फॉर्म अराउंड ईच न्यूक्लियस, प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ फिर सेल वॉल बन जाती है। तो ये हमारा क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। आपने तीन तरह के एंडोस्पर्म देखे भैया, पहले वाला क्या था, न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन था, दूसरा वाला सेलुलर, इसमें सेल्स का डिवीजन था, तीसरे वाला हेलोबियल, इसमें पहले सेल का डिवीजन होता है फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उसके बाद उनके चारों तरफ क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा, ये तीन तरह के हमारे एंडोस्पर्म थे। अब देखेंगे एंडोस्पर्म का काम क्या है, क्या काम है एंडोस्पर्म का। मैंने आपको क्या बताया था, जायगोट फर्दर डेवलप होने के बाद क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, जायगोट एम्ब्रियो बनाता है, और जायगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो बहुत ज्यादा सेल्स का ये एम्ब्रियो बनेगा। ठीक, और इस बहुत ज्यादा सेल्स का बनेगा तो इसे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी भाई, खाने की जरूरत पड़ेगी। तो खाना कौन प्रोवाइड करता है, ये एंडोस्पर्म की सेल इसे क्या प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती है। तो यहां पर एक हेडिंग आ जाएगी, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिससे कि वो
एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये लिखेंगे आप एंडोस्पर्म सेल्स, एंडोस्पर्म हैज रिजर्व फूड मटेरियल एंड इट गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है यानी एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं कि कौन एंडोस्पर्म की सेल्स। क्यों? क्योंकि इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है जो स्टोर फॉर्म में होता है, रिजर्व के फॉर्म में इनमें होता है। ये इसका आपका काम है एंडोस्पर्म का। अब सीड की बात आती है, सीड का वैसे मैं आपको बताऊंगा, अगला टॉपिक अलग है सीड का, लेकिन यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। सीड दो तरह के होंगे, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सीड बोले तो जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली एम्ब्रियो के द्वारा यूज नहीं हो पाता उन्हें हम एल्बुमिनस सीड कहेंगे, यानी कि एंडोस्पर्म है और हमारा एम्ब्रियो भी डेवलप हो चुका है, एम्ब्रियो कंप्लीटली यूज नहीं कर पाया, कंज्यूम नहीं कर पाया एंडोस्पर्म को, एल्बुमिनस सीड कहेंगे। एक आता नॉन एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे सीड जिनमें एम्ब्रियो कंप्लीटली यूज कर लिया, एम्ब्रियो ने कंप्लीटली यूज कर लिया है एंडोस्पर्म को, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये मैं स्पेशल आगे भी बताऊंगा आपको।